मांबे स्टूडियो प्रेजेंस। कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के अभिन्न मित्र। बचपन साथ में बीतियो, समय गुजरियो, समय गुजरवा का साथ में कृष्ण भगवान और सुदामा जी बिछड़ गया। कृष्ण भगवान द्वारका नगरी में जाकर के द्वारकाधीश नगरी बसाई। सुदामा जी गरीब परिवार का, निर्धन परिवार का। सुदामा जी को ब्याह होयो, एक रा दो होया, दो रा तीन होया, तीन रा चार होया। अब सुदामा जी बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब। अगर परिवार ने भोजन करना है तो सुदामा जी घर घर जावे, मांग न लावे और परिवार को गुजारो चलावे। और सुदामा जी उनारी पत्नी ने हमेशा यू कहता कि मारा मित्र कौन है, मारा मित्र है भगवान द्वारकाधीश, मारा सखा है, बाल सखा है। हमेशा अर्धांगिनी ने यह बात कहता। तो सुदामा जी की दशा देख एक दिन धर्मपत्नी कहने लगी कि पति देव, अगर आपका मित्र स्वयं कृष्ण भगवान है और आप अपना दुखी हो, अपना गरीब हो, तो आप उनके पास में जाओ, कहीं कहीं मांग न लाओ। तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि आपका मित्र स्वयं कृष्ण भगवान है तो उनके पास में जाओ, कहीं कहीं मांग न लाओ। उन समय सुदामा जी कहने लगा कि अगर मित्र पैसे वाला हो तो जरूरी नहीं उससे कुछ मांगा जाए। सुदामा जी कहने लगे कि अभी मेरा समय है, मेरे पास में कुछ नहीं, पर जब उसकी कृपा होगी तब मेरे पास में सब कुछ हो जाएगा। और कृपा सब उसकी है जिसने उसको समझ लिया उसके बेड़े पार है, और जिसने उसका दिया हुआ ले लिया, उसके बाद में अभिमान घमंड कर लिया, खुद का शासन चलाया, तो समझो उसका उसकी हार है, उसका पतन बहुत जल्दी होने वाला है। किसी ने लिखा है कि आराम के सब साथी हैं पर जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, आज पैसा हमारे पास नहीं तो मिलने वाला कोई नहीं। आराम के सब साथी हैं पर जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जो रोज अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे कहीं ना कहीं मारे मारे, और जिन्हें चाहने वाले लाखों थे आज रोने वाला कोई नहीं। ये सब आराम के साथी हैं और जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। अगर आपको मित्रता देखनी है तो कृष्ण सुदामा की, भक्ति देखनी है तो मीराबाई की, और देश के प्रति त्याग देखना है तो शूरवीरों का जो त्याग है, बलिदान है। इतिहास आप देख लीजिए, पग पग पे इस देश के लिए, इस भूमि के लिए बलिदान दिया। तो सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती है कि हे पतिदेव, आप अपने भगवान के पास में जाओ, अपने मित्र के पास में जाओ, आपकी झोली भर देंगे। सुदामा जी कहने लगा, अरे भोली, मैं मारा मित्र का पास में जाऊं और मांग न लाऊं, यह बात कभी नहीं हो सके। और जनरो कोई नहीं है, उनरो तो परमपिता परमेश्वर है। तो सुदामा जी अपनी पत्नी ने समझाने लगा, केवल लगा ओ निर्धन रो धन गिरधारी है, निर्धन रो धन गिरधारी, निर्धन रो धन साचो मारो सावरो, निर्धन रो धन साचो मारो सावरो, निर्धन रो धन गिरधारी, निर्धन रो धन साचो सावरो, हो
धन साचो सावरो तो सुदामा जी कहने लगा कि निर्धन रोदन गिरधारी निर्धन रोदन साचो सांवरो। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि आप केवल आपरा मित्र कृष्ण भगवान है तो आप दुखी क्यों हो। तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी दुर्बल जाति सुदामा जी की पत्नी कहने लगी आपका मित्र कृष्ण भगवान है और आप दुखी हो, ये अच्छी बात नहीं। सुदामा जी कहने लगा कि मारो मित्र अगर धनवान है तो जरूरी नहीं है कि मैं उनका पास में जाऊं कहीं के मांग न लाऊं। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि पतिदेव मित्र अगर दुख में सहायता नहीं करेला तो कौन करेला। तो सुदामा जी या बात सुनते ही कहने लगा कि तिरिया जात अकल की ओछी तिरिया जाती समझ बिना बोला बोला त्रिया जात समझ बिन बोले क्या कुमती भई मती थारी। इन कर्मों में दाढ़ी दर लिखिया कर्मों में दाढ़ी दर लिखिया कई करे मारो बनवा सुदामा जी कहने लगा कि त्रिया जात समझ बिन बोले क्या कुमती भई मती थारी। इन कर्मों में दाढ़ीदर लिखिया तो कई करे मारो बनवारी। इन कर्मों में दाढ़ीदर है तो मारो बनवारी मारो भगवान मारो प्रभु कई कर सके। तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी भगवान समय समय पे भक्तों ने तारिया दो दो पेड़ कदम के तारे तार गई गौतम नारी और विश्वामित्र को यज्ञ सफल कियो आप बने हरि अवतारी निर्धन रोधन गिरधारी। सुदामा जी यो तर्क सुनियो कि गौतम ऋषि की नार पाषाण की पत्थर की मूर्ति बन गई भगवान को एक चरण स्पर्श होयो उन्हें पाछो स्वरूप मिल गयो। उन समय सुदामा जी मन में विचार कियो मारी अर्धांगिनी के जब बात तो सही है मैं मारा मित्र का पास में जाऊं प्रभु का पास में जाऊं कहीं मांग न लाऊं मारो परिवार मैं बड़ा दुखी हा घर घर जावा भीख मांगने लावा सुबह को भोजन मिल जावे तो शाम को नहीं मिले शाम को भोजन मिले तो सुबह को नहीं मिले। सुदामा जी बड़ा दुखी
अब सुदामा जी मन में विचार क्यों, मैं मारा मित्र मिलवा जाऊं, अतरा समय हो गयो है और अतरा समय बाद में मिलवा जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो सुदामा जी कहने लगा पत्नी ने कि आपा तो गरीब हा निर्धन हा और मारो सेठ सांवरो द्वारकाधीश महिला का मायने बिराजे, मैं अतरा समय बाद मिलवा जाऊं और खाली हाथ जाऊं तो ठीक नहीं हो। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि हम कोई धनवान है नहीं और घर में है तो ये चावल पड़िया मांग न लाए, ये चावल आप ले जाओ। सुदामा जी ने बड़ी शर्म आई, अरे मारा मित्र मिलवा जाऊं ये चावल लेकर के जाऊं। तो भी सुदामा जी की पत्नी कहो पतिदेव आप तो जाओ भगवान का पास में जाओ, मित्र का पास में जाओ। सुदामा जी ने एक विश्वास बनियो, सुदामा जी चावल की पोटली ली और वह चावल की पोटली आपका हाथ के नीचे दबाई और सुदामा जी धीरे धीरे पहुंचिया द्वारकाधीश नगरी। द्वारकाधीश नगरी पहुंचिया, द्वार में जावा लगा तो द्वारपाल केवा लगा भाई कटे जावे। सुदामा जी कहने लगा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी की दशा देखी, द्वारपालों ने कहा चल हट यहां से, अरे तेरा रूप देख, तेरा स्वरूप देख, तेरे कपड़े देख ले और भगवान विराजमान है महल में, आसन पे विराजमान है, तू क्या मिलेगा उनसे। सुदामा जी रो गए आंखों से आंसू निकलते हुए। सुदामा जी ने कहा केवल एक बार, केवल एक बार आप महल के अंदर जाकर के भगवान से यह कह दो कि आपका बाल सखा बचपन का मित्र सुदामा नाम है और आपसे मिलना चाहता है, बस एक बार मेरी ये विनती आप भगवान तक पहुंचा दो। द्वारपाल मन में विचार करने लगे कि अगर ये भगवान का असल में मित्र हुआ और हमने भगवान को ये सूचना नहीं दी तो भगवान के द्वारा हमें बड़ा दंड मिलेगा। द्वारपाल दौड़ते हुए गए महल में और कहा कि हे प्रभु एक द्वार पे कोई भिखारी आया है, कि द्वार पे कोई भिखारी आया है और खुद का नाम सुदामा बताता है, आपका मित्र बताता है। भगवान अपने आसन से खड़े हुए, नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार पे आए, सुदामा जी को गले लगा लिया, भगवान रोए सुदामा जी रोए, ये है मित्रता। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, खैर नरसिंह जी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुदामा जी कृष्ण भगवान गले मिलिया, सब प्रजा देखे अरे यो है तो है कहीं, भगवान अणि दुर्बल ने अणि निर्जन ने गले लगा लियो, भगवान महल में लाया, जिन आसन पे भगवान विराजमान उन आसन पे सुदामा जी ने बिठाया, भगवान सुदामा जी का पैर धोवे, राधा रुक्मणी यो दृश्य देखे अरे यो है तो है कहीं, अत्रो निर्धन आदमी और भगवान परम पिता परमेश्वर आने की सेवा करे। भगवान गटगट का वासी है, भगवान ने सब मालूम है, सुदामा जी चावल लाया, भगवान हाथ नीचुआ चावल की पोटली निकाली, एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया और जी तीसरी मुट्ठी चावल खावन लगा तो राधा रुक्मण हाथ पकड़ लियो कि प्रभु दो राज तो दान में दे दिया और तीसरो राज भी देना चाहोगे। सुदामा जी ने मालूम नहीं पड़ी कि राधा रुक्मण कई कहे। सुदामा जी मन में विचार क्यों, अरे मारो मित्र कृष्ण भगवान द्वारकाधीश प्रभु मारी अत्री सेवा की नहीं है, मने भोजन जिमायो है, मने इन आसन पे बिठायो है और अटाबाद अगर मैं अनासु कहीं मांगूला तो अनि शरीर पे धिक्कार है। अब सुदामा जी शर्म का मारिया, ना तो भगवान कहीं मांगियो ना भगवान कहीं दियो। अब सुदामा जी मन में विचार कियो भाई धीरे धीरे अठू रवाना हो पाछा अपनी नगरी चालो, पर मन में एक दुख कि मैं घर जाकर के परिवार को क्या जवाब दूंगा, मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि भगवान के पास में गए और क्या लेकर के आए। अब सुदामा जी मन में बड़े घबराए, सुदामा जी वहां से रवाना हुए और जैसे ही अपने नगर की तरफ आए तो सुदामा जी ने देखा झोपड़ी की जगह महल बन गए। अब सुदामा जी ने मन में विचार किया कि हे प्रभु मैं तो आपकी द्वारकाधीश नगरी में आया और मेरे घर में इस गांव में आकर के किसी ने मेरे घर पे राज जमा लिया, किस राजा ने यहाँ पे
महल खड़ा कर दिया। मेरा परिवार कहाँ है, मेरे बाल बच्चे कहाँ है। उस समय सुदामा जी बड़े मन में घबराए, आंखों से आंसू निकलते हुए, हाय मेरा परिवार कहाँ, मेरी पत्नी कहाँ, मेरा घर कहाँ, मेरी झोपड़ी कहाँ। वो महल देख करके सुदामा जी बड़े डरे और सुदामा जी ने मन में विचार किया, इस महल में प्रवेश तो करे, देखे कौन है। सुदामा जी जुई महल में जावे, पहली पोल गज हस्ती घूमे, दूजी पोल में तुरंग खड़े, तीजी पोल में भगवान विश्वकर्मा राजे हीरा रतन जड़े वे जड़े। सुदामा जी कहीं देखियो, पहली पोल गज हाथी घूमा और दूजी पोल में तुरंग खड़े, तीजी पोल में भगवान विश्वकर्मा स्वयं विराजमान हीरा रतन जड़े। सुदामा जी मन में बड़ा घबराया। सुदामा जी जुई चौक में पहुंचिया, सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, महल के ऊपर इधर उधर कई डोले, पंडित काहे को सोच विचार करे, अरे महला उबी में थारी पत्नी अरज गुजारू आवो कंथ करे वे करे। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, पति देव ये महल आपरो है और आप तो भगवान द्वारकाधीश की नगरी में गया और प्रभु आपने देख लो ये महल दे दिया, नौकर चाकर दे दिया। सुदामा जी यो सुनियो, यो दृश्य देखियो और सुदामा जी की आंखों आंसू निकले और एक ही बात कहे, कही कहे, तीन लोटी ओरी, तीन लोटी